आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार और टेस्टी आलू परवल की सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना और स्वागत है आपका अपना चैनल वंदनास किचन एंड गार्डन में। तो फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप मेरे वीडियोस तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिया है एक पाव परवल। परवल को हमें चाकू की मदद से इस तरह से छील लेना है। इसे पिलर से नहीं छीलना है, नहीं तो इसका बहुत ही मोटा छिलका निकल जाता है और वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से हम छिलका को छील लेते हैं। और इस तरह से दोनों साइड से कट कर लेंगे और इसे बीच से कट करके हम इसका चार भाग बना लेंगे, यानी परवल को हम चार टुकड़ा करेंगे। इसी तरह से हम सारे परवल को छील के काट लेंगे। सारे परवल को हमने छील के काट लिया है, अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। अब एक कढ़ाई को गर्म होने देते हैं और इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच राइस ब्रान ऑयल। आप राइस ब्रान ऑयल की जगह कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें परवल को डाल देते हैं और इसे फ्राई कर लेंगे। इसे हाई फ्लेम में 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। 2 मिनट के लिए हमने इसे हाई फ्लेम में फ्राई कर लिया है। अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिला लेंगे, जिससे कि परवल हमारा जल्दी पक जाएगा। और इसे मीडियम फ्लेम में हम ढक के थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। जब तक हमारा परवल फ्राई हो रहा है, तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में हम लेंगे 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 7 से 8 लहसुन की कली, साथ ही 2 मीडियम साइज के टमाटर, और इन सब का हम पेस्ट बना लेंगे। अब सबको अच्छे से हम पीस लेते हैं। मसालों को हमने अच्छे से पीस लिया है। अब हम एक कटोरी में मसालों को घोल के रखते हैं, जिससे कि मसाला का फ्लेवर काफी अच्छा आता है। तो एक कटोरी में हम लेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और साथ ही 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब मसालों में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसे अच्छे से घोल लेंगे। मसालों को इस तरह से अच्छी तरह से हम घोल लेते हैं। इस तरह से मसालों को घोल के रखने से इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मसालों को अच्छे से घोल लिए हैं, अब इसे एक प्लेट से ढक के हम साइड में रख देंगे। बीच बीच में चलाते हुए हमने परवल को 6 से 7 मिनट तक फ्राई कर लिया है और परवल हमारा अच्छे से पक गया है और अच्छे से फ्राई भी हो गया है। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे परवल को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से इसका एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल लेना है और हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। कढ़ाई से हमने एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल लिया है और अब 2 चम्मच तेल में ही हम उबले हुए आलू को फ्राई कर लेंगे। हमने 3 मीडियम साइज के आलू को उबाल लिया है और इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिए हैं। आप चाहे तो कच्चे आलू को भी इस तरह से पीसेस में करके फ्राई कर सकते हैं। आलू को भी हम बीच बीच में उलट पलट करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम में इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार
और नमक को आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे बीच बीच में चलाते हुए हम पूरा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। आलू को भी हमने 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम में बीच बीच में चलाते हुए फ्राई कर लिया है और आलू हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। फिर से हम कढ़ाई में ऐड किए 2 चम्मच ऑयल और इसमें 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 4 गोलकी और 1 तेजपत्ता। सबसे पहले हम जीरा को चटका लेते हैं। जीरा हमारा चटकने लगा है, अब हम इसमें खड़े मसाला को भी डाल देते हैं। अब इसमें पीस कर रखे हुए पेस्ट को डालते हैं। और इसे मीडियम टू लो फ्लेम में हम तेल छोड़ने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चलाते हुए हमें मीडियम टू लो फ्लेम में तेल छोड़ने तक पका लेना है। प्याज का प्यूरी भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, इससे तेल छूटने लगा है। अब हम घोल कर रखे हुए मसालों को भी इसमें ऐड कर देंगे। अब घोल कर रखे हुए मसाला को इसमें ऐड कर देते हैं और इसे भी हम बीच बीच में चलाते हुए तेल छोड़ने तक पका लेंगे। मसालों को भी हमने मीडियम टू लो फ्लेम में बीच बीच में चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक फ्राई कर लिया है। मसाला हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। पानी आप अपने ग्रेवी के हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक। नमक को हमें ध्यान में रखते हुए ही डालना है क्योंकि हमने परवल और आलू को फ्राई करते समय भी नमक का यूज किया है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी और थोड़े से फ्रेश कटे हुए धनिया के पत्ते और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और ग्रेवी में 1 उबाल आने देते हैं। ग्रेवी में हमारा अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसमें फ्राई करके रखे हुए परवल और आलू को डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। एक बार आलू परवल की सब्जी इस तरह से बना के देखिए, ये बड़े बच्चों सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अब हम गैस का फ्लेम को लो कर देते हैं और इसे ढक के सिर्फ 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और अब इसे लो फ्लेम में सिर्फ 2 मिनट के लिए हम ढक के पकने देते हैं। 2 मिनट हो गया है। हमारा सब्जी से काफी ज्यादा अच्छा खुशबू आ रहा है। अब हम इसे चला लेते हैं। हमारा आलू परवल की सब्जी तैयार है और ये बिल्कुल शादियों पार्टियों में मिलने जैसा लगता है। तो इस रेसिपी को आप एक बार घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम देर न करते हुए इसे सर्व कर लेते हैं। हमने इसे एक सर्विंग प्लेट में सर्व कर दिया है। आपको हमारा आज का ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।